Lavita. Love you. Lavita. Tun chowalan za. Panni chowalan ki besin chowalan. Besin and chowalan moves. Tu khen pasand ha? Kiski mimicry karoge? Cutter. Cutter ki mimicry karenge. Chalo sunao. वो घर जाके आप क्या करते हो? काम, घर का. घर का काम? क्यों? क्योंकि मेरी मदर नहीं है. आपकी मामा नहीं? दिस आरजे महक फारूक फ्रॉम रेडियो आपदा 90.8 एंड आज जो है हम अनंतनाग के एक रिमोट एरिया में आए हैं. ऑफ कोर्स वी आर इन द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनर और यहाँ पे आने का मकसद और हमारा मोटिव यही है कि आपको हम दिखाएं कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो यहाँ का काम है वो पेस से एक अच्छी रफ्तार से जो है चल रहा है, ग्रो हो रहा है एक स्कूल. और यहाँ के बच्चे जो है डिस्पाइट उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कम नहीं है. चलिए इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड विल शो यू कि इन बच्चों में भी जो है टैलेंट कूट कूट के भर के है. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो अभी मेरे पास नाजिर हैं जो क्लास सेकंड में पढ़ते हैं. सो नाजिर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. मेरा नाम नाजिर फारूक लोन है. मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनानी में पढ़ता हूँ. आप कहाँ से आते हो? पोशनानी से. पोशनानी से आते हो. घर में आपके कौन कौन है? मम्मा, पापा, भाई और मैं. स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ. क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर. डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ. टीचर कौन पसंद है आपको? रियासर. रियासर पसंद है? हाँ. रियासर ही क्यों पसंद है? आखिर उनमें क्या है? वो हमारे लिए खिलौने लाते हैं, वो बहुत हाँ. कुछ लेते हैं. विंकन छे मैसेज आख ब्याख स्टूडेंट यहन स्टोरी छे अलग इमन छु जानवरन से प्यार इमन छु वारिया मोहब्बत करन तिमन से तो वेलो जानो यहन स्टोरी क्या छे तो इम क्या छे असन पनी जिंदगी मस कारण क्या छे असन इम बनन तो तहिने में पनु नाव तो नाम नाम शक मलिक. अच्छा तो तुम कत क्लास में छु पढ़न? सिक्स क्लास. सिक्स छु पढ़न तो तई दे तो मैं घर कुस कुस छु तई? अच्छा मामा पापा बेच भाई तो बहन तो बेच दो. मैं बूझ तो छु जानवरन से काफी ज्यादा तो तई छु तुहुन मोहब्बत. ठीक छ तो एक कुस छु घर में जानवर जो तई पालन छु? गाय. गाय तो एक को छु हन्यवन से पालन खत? आड़स में जंगल. अच्छा जंगल छु हन्यवन सर का नाम है? हां तो छु पसंद सा? हां. जंगल से क्या छ गाव कारण? घास. घास क्यावन? ओके तो स्कूल कब आते हो? जब सुबह सवेरे ले जाते हो स्कूल के लिए तैयारी कब करते हो? 9 बजे से तैयार कर या 9:30 स्कूल आ जाते हैं. 9:30 छु तो स्कूल लेवन तो 9 बजे होन तो इस चक्रस ने वन सगाओ. हां तो पतिल तो घर छु गसन पछो बे तिम से गाय निस गसन ना छु पतवार दीवार दिखाना तो पत केंदन तो पजे लोड में कारण छु बंद. गैर कुछ कुछ छु तो अच्छ मिए मोज बे बे मिए बिन तो बे बोय तो ये कह छु हन गाव नि राशन खतर बाकी कैस मामा कैस पापा कैस तुम छास घर को तिमन कोस काम छास सुन छास रानो पाप छास छानन छानन से छासन तो तो छु पत्नी वन गाव राशन खतर. ठीक छ डोन छो वालन जा. डोन छो वालन पन्नी छो वालन के बेसन छु वालन? बेसन ने छो वालन मुइस. अच्छा तो डोन छु केन पसंद हा? चलो वेल अभी मेरे साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मिमिक्री करना पसंद है. वेल ऑफ कोर्स मिमिक्री तो हम सब ने सुनी है बट ये वो बच्चे हैं जो बिना किसी से सीखे और थोड़ा बहुत मोटिवेशन के साथ जो है कुछ करना चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स आई थिंक कि हम सभी इनकी हौसला अफजाई करेंगे. सो चलो आप मुझे किसकी मिमिक्री करके दिखाओगे? कैट की. कैट की दिखाओ. आप गाय की आवाज. मुझे लगता है इस स्कूल के जो बच्चे हैं ना दे आर ऑब्सेस्ड विद काउ एंड ऑफ कोर्स गाय मुआ जी मिस चेज अपन. सो ये उनकी मिमिक्री करके सिखाएंगे हमें. आप एक बार तालियां हो जाए यार. ऑफ कोर्स आप कुत्ते की. कुत्ते की ओके. फिर से
मेरे साथ रिहान है जिसके साथ हमने इंट्रैक्शन की थी, बट ये जो है इन्हें मिमिक्री करना पसंद है, लेकिन इनकी मिमिक्री जो है ना बाकी सारी मिमिक्रियों से डिफरेंट है। वो कैसे है आपको बताऊंगी मैं। रिहान किसकी मिमिक्री करोगे? कटर। कटर 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 की मिमिक्री करेंगे। चलो सुनाओ। तालियां हो जाए इसके कटर के लिए। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? रिया सर। रिया सर, ओके। मुझे लगता है रिया सर की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो रिया सर के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। सो आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? जायरा। जायरा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में। और आप मुझे ये बताओ कि आपका घर कहाँ पे है? पोशनाड़ी। पोशनाड़ी में। आपको ये स्कूल पसंद है? कितना पसंद है? बहुत। आप हमें क्या सुनाएंगे आज? कहानी। कहानी सुनाओ। तो चीयर्स करो इसके लिए यार। ओके, सो आपका फेवरेट टीचर कौन है? रिया सर। रिया सर, रिया सर क्यों अच्छे लगते हैं आपको? वो हमारे लिए बहुत चीज लाते हैं। चीजें लाते हैं? कौन सी चीजें लाई हैं? झूले, खिलौने, बहुत। वेल, लड़कियों से तो हमने बात कर ली स्कूल के, लेकिन कहते हैं ना कि वो आई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। कुछ बॉयज भी है मेरे साथ, टैलेंटेड बॉयज, एंड अभी जो है मेरे साथ वसीम है, एंड आई मस्ट से ही हैज समथिंग डिफरेंट इन हिम। सो वसीम, सबसे पहले मुझे बताओ कि आप मुझे क्या सुनाओगे आज? वालदेन की, वालदेन का मुकाम और एहतराम। ठीक है, सुनाओ। लबों पे कभी उनके बददुआ नहीं होती, बस एक माँ बाप जो कभी खफा नहीं होती। आज मुझे जिस मौजू पर चंद अल्फाज कहने हैं वो हैं वालदेन का मुकाम और एहतराम। सबसे पहले तफस का नाम वालदेन है, जिस जिन में आखोश मोहब्बत और इंसान की ज़िंदगी इब्तिदा में ही राह तय कर देती है। सिर्फ अहल दिल ही जानते हैं कि बच्चे की परवरिश और तरबियत नहायत ही मुश्किल और सब्र व आजमा काम है, और माँ बाप ये काम बड़े तहमिल से करते हैं। माँ बाप दयानतदारी का सबक सिखाते हैं, दुनिया में रहने के आदाब सिखाते हैं। माँ बाप की दुआ भगत तो क्या नसीब भी बदल देती है। वाओ, वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सो वसीम, पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो? यस। क्या करते हो? गाना। गाना गाते हो? किस लैंग्वेज में गाना गाते हो? अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी में। दो लैंग्वेज आपको आती है? तो चलो सुनाओ मुझे कुछ कुछ सुनाओ मुझे आज, जिन लैंग्वेज में आपको गाना गाना आता है मुझे सुनाओ। आपकी अपनी लैंग्वेज क्या है? गोजरी। आपकी अपनी लैंग्वेज गोजरी है, तो मुझे आप सुनाओ उसी में गाना। निक्का जिया डोला, सोना जिया डोला, चिट्टा जिया सूट ना पाया कर, एक गल मन जा या सड़ा बन जा, या साडे शहर ना आया कर। सानू लगदा है डेर प्यारा, सानू अखियां दा ए तारा, तेरे यार ने वाद पुकारा। ओ निका जिया डोला, सोना जिया डोला। अब आप कश्मीरी में भी सुनाओ मुझे। दिल से न्यू थम दिल बरा ही पजा, यो है क्या बागस वफा ही पजा, यार चंतम दवा क्या, यो है क्या बागस वफा ही पजा। मेरे साथ जो है अभी एक बहुत से क्यूट से बच्चे हैं, इनका नाम है इफ्लाक, है ना? है ना इफ्लाक, क्या नाम है आपका? इफ्लाक। इफ्लाक नाम है इनका। किस क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड क्लास में पढ़ते हो। आपको राइम आती है? हाँ। मुझे, मेरे लिए सुनाओगे आप राइम? ठीक है, सुनाओ। वो बुलाया मोटर का, उसके नीचे पैर चार चार पीछे बच्चे, वो आगे जाए पीछे जाए, भाई मुझे जोरदार ताली हो जाए इफ्लाक के लिए। मेरा नाम रिहान खान है, मैं गवर्नमेंट स्कूल पोशनाड़ी में पढ़ता हूँ। ठीक है, आप पोशनाड़ी में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो आप? फिफ्थ। फिफ्थ क्लास में।
वाह यार, फिफ्थ क्लास में पढ़ते हो, मुझे तो लगा कि आप थर्ड या सेकंड क्लास में पढ़ते होंगे। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। स्कूल आना पसंद है? रोज स्कूल आते हो? हाँ। या फिर कभी कभी आप बहाना बनाते हो कि मुझे स्कूल नहीं आना? नहीं बनाते हो बहाना। पूछूं मैं टीचर से? अटेंडेंस चेक करूंगी मैं। पूछो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? यहाँ पे सभी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर बन के क्या करोगे? मैं गरीबों की हेल्प करूंगा। गरीबों की हेल्प करोगे आप? तो मुझे बताओ कि आप पढ़ाई के सिवा आपको क्या पसंद है करना? काम। काम? कौन सा काम? हेल्प करते हो सबकी? हाँ। घर का काम करते हो? खुद से करते हो? सो एक और स्टूडेंट मेरे साथ है एंड आई बिलीव कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्टोरी होती है। सो चलिए अभी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इनका नाम जानते हैं एंड वील सी कि यू नो ये क्या करती है, इनको क्या पसंद है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोसिना अफजल है। आप यहाँ से आते हो ना, पोशनारी में रहते हो? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पसंद है, मतलब क्या करना पसंद है आपको? स्कूल आके पहली एक्टिविटी जो आप देखते हो कि नहीं यार मैं पहले स्कूल आऊंगी तो मुझे इसलिए ही आना है? प्रेयर पढ़ने के लिए सबसे पहले, फिर पढ़ने के लिए। ओके, आपके फेवरेट टीचर कौन है? आल। आल? तो मतलब ऐसा टीचर जो आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है? रिया सर। रिया सर? तो आप जब घर जाते हो यहाँ से, तो घर जाके आप क्या करते हो? काम, घर का। घर का काम? क्यों? क्योंकि मेरी मदर नहीं है। आपकी मम्मा नहीं है? ओके, सो उनके जाने के बाद आप काम करते हो घर पे? हाँ हाँ, मेरी बहन भी करती है तो इसलिए। सो यहाँ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आप पढ़ते भी हो, घर पे काम भी करते हो, कैसे मैनेज करते हो ये सब इतनी छोटी सी उम्र में? करना पड़ता है सबसे पहले घर में काम करती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, लाइक सफाई करती हूँ और चाय वगैरह बनाती हूँ। मम्मा की याद आती है? आती है कभी कभी। नहीं डर सी आ रहे हैं आप अपनी क्लास में? तो अपनी क्लास में क्या सिखाते हैं आप स्टूडेंट्स को? मैं उनको कहती हूँ, यही कहती हूँ, हमें अच्छे काम करने चाहिए, किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप मुझे आज क्या सुनाओगे? वालिदिन पर नज़्म। चिलचिलाती जिंदगी में साया बरे करम, वालिदीन मोहतरम है वालिदीन मोहतरम, बेनिशान बेनाम था मेरा वजूद खाक ये, आज मेरे वास्ते कुर्बान करे इमलाक ये, उम्र भर मोहसिन है मेरा इनका हर नक्शे कदम, वालिदीन मोहतरम है वालिदीन मोहतरम। धीरे धीरे उम्र जब इंसान की बढ़ती गई, जिंदगी से लाशोर की चमक घटती गई। So, हमारे पास जो है अभी हमारे स्कूल के अपने लड़ीशा भी हैं, आपको लड़ीशा भी सुनाएंगे। ऑफ कोर्स हमारा कश्मीरी कल्चर है, वो हम कैसे भूल सकते हैं और वो ये स्कूल कैसे भूल सकता है। सो नाम बताओ मुझे अपना। शादाब नजीर। शादाब नजीर की एनर्जी देख रहे हो आप, तो शादाब क्या सुनाओगे मुझे? लड़ीशा सुनाओ। लड़ीशा लड़ीशा दानियो तो वाला टॉपी मा जुआ सस को किल बोला तू पे पातर ते गई के जल कार और मा उचू तार एक दार तार एक दार अस गर गई चूर कच मा नी अस का सरकूट हशी जित नशा मतवा गुन नबर कन थोने छट आंगुन हाय जाय नबर ते गई अस का जान अस पाट कर मातरी पे पा। लड़ीशा लड़ीशा दान जोरदार ताले हो जाए इनके लिए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनारी, जहाँ के स्टूडेंट्स जो है कुछ करना चाहते हैं और जहाँ के टीचर्स को
स्टाफ को हम सलाम करते हैं, क्योंकि डिस्पाइट ये जो एरिया है ये फार फ्लंग है, रिमोट एरिया में आता है, और उसके साथ साथ जो है इन बच्चों के पेरेंट्स भी उतनी सपोर्टिव नहीं है, बट यहाँ के टीचर्स जो है उनका एक ही मकसद है और एक ही मोटिव है कि ये जो स्टूडेंट्स है ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेटर कर सके, और उनके टैलेंट को जो है ये टीचर्स पॉलिश करना चाहते हैं। सो रेडियो राबता 90.8 जो है इन टीचर्स को और इस स्टाफ को जो है सल्यूट पेश करती है, और हम जो है यानी कि रेडियो राबता 90.8 जो है इस इनिशिएटिव के साथ आज का प्रोग्राम तो खत्म करते हैं, लेकिन आपसे हम ये कहते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जो कि इसी तरीके से कुछ अच्छा करना चाहता है, एक अच्छी पेस के साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, इनके टैलेंट को पॉलिश करना चाहता है, सो आप हमें प्लीज टेक्स्ट करके बताएं। हम आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर रेडियो राबता 90.8 के नाम से। सो डू कमेंट अस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। फी अमान अल्लाह।